खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं इंटरेक्स न्यूज़ 24/7। हर अहम खबरों के लिए व हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। गुरुकुल प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल पोस्ट के एडवर्टाइजमेंट 4 साल पहले आया था और बहुत सारी टीचर्स ने एग्ज़ाम भी दिए थे, लेकिन अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए। नामपली तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस के बाहर स्कूल प्रिंसिपल्स को परमिशन नहीं मिलने की वजह से हनुमंत राव ने आकर लोगों की हेल्प की और उनका साथ दिया। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR पर नाराज़गी जाहिर किए। देखिए यह रिपोर्ट। गुरुकुल स्कूलों में प्रिंसिपल पोस्ट के वास्ते एडवर्टाइजमेंट आया 4 साल पहले। ये सभी लोग अप्लाई करे, एग्ज़ाम लिखे, 4 साल हुआ मगर रिजल्ट अनाउंस नहीं करे। फाइनली इन लोग आ गए, कोर्ट को गए, कोर्ट ऑर्डर दिया इमीडिएट। उससे पहले इन लोग आके मिले, सब कब अनाउंस करे, अरे तुम जाओ कोर्ट को जाओ, कोर्ट जिस दिन ऑर्डर देंगे 24 घंटे में तुम्हारे को रिजल्ट दिया। तुम बोले अब क्या बोल रहे हैं? वो पार्ट टाइम जॉब वाले भी गए कोर्ट को। मैं बोला पार्ट टाइम वाले काम करते सकत इन लोग आके आपको नौकरी नहीं पूछे, तुम ही एडवर्टाइजमेंट करे प्रिंसिपल पोस्ट का। सब लोगों का ये जो है 4 साल एक एग्जाम लिखने के बाद सर्विस कमीशन में 4 साल रहने का, ये भी रिकॉर्ड है KCR का। नंबर 1 हर चीज में नंबर 1 बोलता, एक एग्जाम लिखे से वाला 4 साल तक क्या करना, 4 साल तक उसका एज बढ़ जाएगा, बुढ़ी हो जाएंगी, कौन देखेंगे। अब ये वो लेडी बोलती नहीं नहीं हमारे हाथ में, अब वो चक्रपाणी से मिलूंगा। मैं बोला भाई वैसा है तुम पार्ट टाइम वालों का इनका मिला के कुछ सोल्यूशन करो, आधा इनको दो आधा इनको, को भी नहीं देते कहते कोर्ट ऑर्डर है। कहीं का कोर्ट ऑर्डर है भाई, तुम अगर सेटलमेंट करना है, लोगों के हित में काम करना है तो दोनों को बिठाओ, आधा उन लोग नौकरी में है उनको इनको दोनों को बिठा के एक फैसला करो। पर कब तक ऐसा घुमाएंगे आप उन्हें नौकरी करते गए, इन लोग रोडों पे फिर रहा। तो मैं चक्रपाणी चेयरमैन है वो मिलूंगा, ऑल पार्टी से मिलूंगा, बराबर इनको न्याय हुए तक हमारी लड़ाई साथ रहेंगे। कांग्रेस कभी भी गरीब के साथ जहाँ अन्याय होता वहाँ लड़ने का हमारे को राजीव गांधी सिखाए, सोनिया गांधी सिखाए, उसी नक्शे कदम पे हम आगे चलेंगे। जब तक इन लोगों को न्याय मिले तक हमारा फाइट चलते रहेगा। అది తెలుసుకున్నటువంటి జ్యుడిషియరీ ఏమన్నది, ఇంకా ఎంతమంది చనిపోతారు కనుక ఇమీడియట్ గా మీరు ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ పెట్టుకున్నారు. ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ పెట్టుకుంటే ఈ వాణి రాష్ట్రం ఆమెమంటుందంటే ఏదైతే పార్ట్ టైం టీచర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇస్తారు. పార్ట్ టైం టీచర్స్ మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయమన్నాడు, ఎవడు ఎగ్జామ్ పెట్టుకున్నాడు అడగలేదు కదా. మీరు మీరే పిలుస్తారు, మీరే అధ్యయనం చేస్తారు, వాళ్ళ ప్రాణాలతో ఆడుతున్నారు. ఇది నిర్ణయం తీసుకోకపోతే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు వస్తా చక్రపాణి ఓకే అపాయింట్మెంట్ ఎట్టి బస్సులో కాము ఇవాళ కాదు రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.